स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे और प्रश्न कुंडली के मैं भाग 9 पे आपका स्वागत करता हूं। लैंड प्रॉपर्टी से संबंधी प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं ज्योतिष और इसका प्रश्न कुंडली से कैसे जवाब देना चाहिए उसका मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा। हो सकता है अब प्रश्न कुंडली के जो वीडियोज हैं वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में ही खत्म हो जाए, छोटे छोटे हो, क्योंकि शुरुआत में मैंने जब Part 1, Part 2, Part 3 डाला था तो वहां मैंने डिटेल्स में प्रश्न कुंडली के बारे में और उसके बेसिक्स के बारे में वहां एक्सप्लेन किया था। यहां उन सब बातों को तो दोहराने का कोई मतलब नहीं है, यहां टू द पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपने जवाब देना है आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रश्न कुंडली से हम कैसे जवाब देंगे, तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब भी प्रश्न होता है तो आपने देखना है सबसे पहले लग्नेश का चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है या नहीं, क्योंकि भूमि लाभ में लग्नेश का चतुर्थ भाव से संबंध होना जरूरी है और चंद्रमा की दृष्टि इन दोनों पे होनी जरूरी है। यानी लग्नेश चतुर्थेश और चंद्रमा अगर यहां चतुर्थ भाव में अगर बैठ जाते हैं आकर और इत्थसाल योग करते हैं तो उस वक्त भूमि से संबंधी जो प्रश्न पूछा गया है जातक को भूमि लाभ होने का योग बनता है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आपको साथ ही ध्यान रखना है कि पाप ग्रहों की दृष्टि इस पे नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, ये ध्यान आपने खास रखना है। शनि मंगल राहु इन सबका योग या दृष्टि इस योग के साथ नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाएगी तो फिर भूमि का लाभ नहीं होगा, ये आप जातक को कह सकते हैं। बहुधा जातक ये भी पूछते हैं कि जहां मैं रहता हूं क्या वो जगह मुझे बदलनी पड़ेगी या मुझे जाना पड़ेगा कहीं और, तो आप देखिए कि चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, चतुर्थ भाव में यहां पर पाप ग्रह बैठे हुए हैं या नहीं। अगर यहाँ पाप ग्रह बैठ गए हैं फोर्थ हाउस में तो आप कह सकते हैं कि वास स्थान में परिवर्तन हो सकता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लाभ प्राप्ति के लिए जैसा आप लोग जानते हैं कि एकादश भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है केपी एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक में भी दी जाती है, तो लाभेश के साथ अगर योग बनता है लग्नेश चतुर्थेश लाभेश के नक्षत्र में अगर चले जाते हैं या लाभेश की भी दृष्टि इन पर पड़ जाती है कहीं से भी, तो आप कह सकते हैं कि जमीन से संबंधी लाभ आपको होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे वीडियोस मैं कॉमन क्रिएटिव के तौर पे अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका बिना किसी द्विधा बोध के, सीख के अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है। वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे भी अगर कोई डालना चाहता है तो वो डाल सकता है, मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं जाएगा। तो इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।